प्रदेश में जारी हिंसा और राजनीतिक उथल पुथल के बीच काम चलाऊ सरकार के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने वाले नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस ने पहले ही बयान में साफ गोई दिखाई है। यूनुस ने कबूल किया है कि बांग्लादेश में हिंसा के दौर के बीच हिंदुओं, सिखों, बौद्धों और ईसाइयों समेत दूसरे अल्पसंख्यकों को चुन चुन कर जानबूझ कर निशाना बनाया गया है। बहरहाल बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के नए प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने राजनीतिक संकट से जूझ रहे देश में अल्पसंख्यकों पर हमले के मुद्दे पर खुद को अलग कर लिया। जब मोहम्मद यूनुस से राजनीतिक उथल पुथल के बीच दंगों से जूझ रहे बांग्लादेश में हिंदुओं, बुद्धों और ईसाइयों समेत अल्पसंख्यकों पर हमले के मुद्दे पर पूछा गया तो यूनुस ने हमलों से खुद को अलग कर लिया और कहा कि एक साजिश है। उन्होंने कहा कि नई सरकार साजिश को खत्म करेगी और सभी की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने राष्ट्रपति भवन भंग भवन में आयोजित एक समारोह में 84 साल के यूनुस को पद की शपथ दिलाई। नौकरियों में विवादास्पद कोटा प्रणाली को लेकर अपनी सरकार के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शनों के बाद प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफा देने और भारत भाग जाने के बाद मंगलवार को यूनुस को अंतरिम सरकार का प्रमुख नियुक्त किया गया। शपथ लेने के बाद अपने पहले संबोधन में यूनुस ने पूर्व पीएम शेख हसीना की देश से विदाई को दूसरी आजादी बताया। उन्होंने कहा कि आज हमारे लिए गर्व का दिन, अंतरिम सरकार नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी और कानून व्यवस्था पटरी पर लाना हमारी प्राथमिकता है। हम उन षड्यंत्रकारियों पर शिकंजा कसेंगे जिन्होंने हमारी स्वतंत्रता को बाधित करने के लिए अराजक स्थिति और आतंक पैदा किया है। मैं देशवासियों से हिंसा रोकने की अपील भी करता हूं। मैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस को नई जिम्मेदारी संभालने के लिए मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। हमें उम्मीद है कि बांग्लादेश में जल्द ही हालात सामान्य होंगे, हिंदुओं और दूसरे अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। भारत बांग्लादेश के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है ताकि दोनों देशों की जनता के लिए शांति, सुरक्षा और विकास सुनिश्चित हो सके। बता दें बांग्लादेश में हाल ही में हुए प्रदर्शनों के बाद शेख हसीना ने पद से त्याग पत्र दे दिया था। उनके देश छोड़ने के बाद अब नई अंतरिम सरकार का गठन किया गया है। नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख बने हैं। 8 अगस्त की रात उन्होंने शपथ ग्रहण किया। यूनुस की सहायता के लिए सलाहकारों की 16 सदस्यीय परिषद की घोषणा भी की गई है।